खरगोन जिले के बरूड क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते शासन प्रशासन द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान आवागमन में साधन और अन्य कारोबार पूर्ण रूप से बंद किए गए हैं। वहीं डीएसपी पीएस बघेल द्वारा क्षेत्र में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वहीं किसी भी बाहरी व्यक्ति का क्षेत्र की सीमा में प्रवेश निषेध कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उसकी सूचना थाना बरूड पर की जाना अति आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी पीयूष पाटीदार और नायब तहसीलदार प्रियंका रावत और जागृति जाट और डीएसपी एस बघेल द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र बरूड में आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरतने और गणगौर पर्व पर लेकर सभी धार्मिक आयोजन रद्द किए गए हैं। साथ ही 5 व्यक्तियों से ज्यादा समूह पर पाबंदी और माता के गीत और भंडारे आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। देखो 144 लग रही है तो हम लोग प्रॉपर इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो भी 144 का उल्लंघन करता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग गाँव वालों को समझाइश दे भी रहे हैं कोरोना के संबंध में क्या क्या हिदायत बरतना है, वो कभी नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग 188 की कार्रवाई करेंगे इन लोगों पर, वो नहीं समझते हैं तो हम लोग ये सब समझा रहे हैं कि बंदे को सीधी चीजें हैं नॉर्मली हो जाए, सब लोग अपने आप पे समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। गणगौर त्यौहार को लेकर ये हम लोग निर्देश है किसी प्रकार से सोशल गैदरिंग नहीं होगी, है ना, और जो गणगौर त्यौहार मना भी रहे हैं तो अपने घर पे ही मनाएं, अपने घर पे पूजा पाठ करें ज्यादा अच्छा है, ये समाज के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है और उनके खुद के लिए भी अच्छा है। लोगों को अभी नोटिस किया गया है, इन लोगों के नाम नंबर ये सब कुछ सेव किए गए हैं ताकि इनसे अगर होने वाले संक्रमण कोई से भी संक्रमण है तो वो फैले नहीं, इनके लिए इनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। क्वारंटाइन का मतलब होता है इनको एक तरह का आइसोलेशन होता है जो घर में ही किया जाता है ताकि ये घर में रहें तो ना तो कम्युनिटी को कोई सा भी स्प्रेड करें, ना आसपास वालों को, ना पड़ोसियों को, ना अपने घर वालों को। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पीयूष पाटिल। सर गाँव से बुलाई जो बरूर में हमने बैठक बुलाई है कि इसलिए कि अभी आगामी जो गणगौर का त्यौहार आने वाला है उसमें जो है लोग इकट्ठा होना चाहते थे कि हम लोग जो ज्वार हैं उनका विसर्जन करें साथ में, तो समाज के लोगों को समझाने के लिए कि आप इस तरह से इकट्ठा ना हो, कोरोना की गंभीर स्थिति को समझें, उस पर समाज के लोगों ने सहमति दे दी। उन्होंने कहा है कि वो 3-4 लोग ही अब इस त्यौहार में शामिल होंगे और जो ज्वारे हैं उनका विसर्जन 3-4 लोग मिलकर करेंगे, आपस में इकट्ठा नहीं होंगे। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी उन्हें बहुत अच्छे से सबको समझा दिया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में क्या क्या सावधानी रखनी है। बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है और वो मान भी गए हैं कि उसे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि समाज के लोग इस बात को समझेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।